सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, बहुत दिन के बाद आज मौसम खुला है और तारीख हो गई है 15 जनवरी 2023। चारों तरफ गेहूं ही गेहूं है। मेरे एक्सपेरिमेंटल खेत हैं, कहीं तो लगा है KRL 210, कहीं लगाया हमने किसान 888, और 4 नए बीज हमने लगाए हैं, DBW 370, DBW 371, DBW 372 और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का PBW 826। तो कुछ खेतों में मैंने देखा आज के घास जैसा खरपतवार है और चौड़े पत्ते भी हैं। तो जिन किसानों के यहाँ ये दोनों ही खरपतवार हैं, तो उसमें किसान भाई 2,4-D डाईमिथाइल एमीन, जो कि है 58% वाला, उसको आप इस्तेमाल करें। तो अभी हम बताएंगे कि इसका घोल कैसे बनाना है और कितने लीटर की टंकी में डालना है। ये दोनों ही तरह के खरपतवारों को नष्ट कर देगा और गेहूं पे बहुत कम असर डालेगा। होता ये है कि जब खरपतवार लग जाते हैं, वो न्यूट्रिएंट जो हम पौष्टिकता वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं, DAP दिया है या यूरिया दिया है, वो खरपतवार भी बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गेहूं और उनमें प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन सा हो जाता है। ये खरपतवार जो हैं, ये जड़ों को अपना फैलाएंगे, इनके पत्ते भी बनेंगे। तो अब हम उनको दबाना चाहेंगे और मेरी फसल जो है लगभग 51 दिन की हो गई है, 51 डेज। तो इसमें जितना उन्होंने कुछ पहले न्यूट्रिएंट्स लेने थे, पौष्टिक तत्व, वो ले लिए हैं। गेहूं को हल्का नुकसान तो हुआ है, मगर अभी क्योंकि वो बहुत छोटी अवस्था में है, तो मैं किसी भी हालत में उनको बढ़ने नहीं देना चाहता, ताकि मेरी गेहूं को जो कुछ भी आगे करना है, उसको काफ़ी पौष्टिक तत्व जो हैं ज़मीन में दिए हुए, वो पुनः मिलें। और प्रकाश संश्लेषण में भी ये प्रतिस्पर्धा करते हैं और ऊपर कद बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और गेहूं उससे भी लंबा जाने की कोशिश करती है। तो उससे गेहूं जो है पतली भी रह सकती है, जड़ें भी छोटी रह सकती हैं, गिर भी सकती है। अगर आपके खेत में ये है, तो आप 2,4-D डाईमिथाइल एमीन का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम इसका बताते हैं। मेरे साथ मेरे भैया हैं, दोस्त हैं, हम काम करते हैं इकट्ठे। हमने 400 ml का ये एक सॉल्यूशन का बॉटल लिया है, और इस तरह का लिया है हमने मग, और 8 डाले हैं इसमें। कितने कितना डाला है? 8 बार पानी डाला है इसमें। हाँ जी, इस तरह से आप 8 बार इतना इतना पानी डाल लेंगे, और फिर सारी 400 ml ये दवा है, इस दवा को इसमें हम डालेंगे, इसका घोल बन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और फिर हम उस पंप में डाल देंगे। है ना? हाँ जी। ये पंप कितने लीटर का है? 20 लीटर का है जी। 20 लीटर का है। तो किसान भाइयों, आपने सुना, इन्होंने बोला कि 8 डिब्बे ये लेंगे, आप बॉटल काटते हैं, और आप करते भी हैं स्प्रे, आपको सब मालूम है। मगर ये उन बच्चों के लिए है जो नए नए खेती में आ रहे हैं, उनको बताना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो 8 ये डिब्बे लिए, 8 बार पानी डाला, 400 ml डाल दिया हमने दवा। तो प्रति लीटर आप इसको कैलकुलेट कर सकेंगे। ये 20 लीटर की टंकी है, और इसको पानी से भरेंगे और एक एक मग डाल देंगे इसमें। हाँ जी, है ना? हाँ जी। फिर ये सारा खेत में एक एकड़ के लिए हो जाए। हमारा 9 कनाल है, तो उसमें थोड़ा डाइल्यूशन कम हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। 8 कनाल का एकड़ है 5 बीघे का, तो उसमें ये 400 ml की सिफारिश है, तो हम इसको डालते हैं। आइए हम आपको खेत में दिखाते हैं हम के कैसे स्प्रे कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये खेत जो है, इसमें हमने लगाया है KRL 210। ये क्षारीय जमीन के लिए है, और कलर की चस्क जहाँ है, ऐसा आम भाषा में बोलते हैं, ये बहुत अच्छी ग्रोथ में है, और यहाँ कोई खरपतवार नहीं है। हम इसमें स्प्रे नहीं कर रहे हैं, ये खेत पर निर्भर करता है कि कहाँ खरपतवार है कि नहीं। ये लगभग 60 दिन के आसपास की होगी है, 61 दिन की।
और सड़क के अक्रॉस इस तरफ आप देखें, यहाँ लगाई है हमने DBW 303। इसका बहुत अच्छा फुटाव आ रहा है और रंग भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कितना ग्रीन है ये, और ये भी 62-64 दिन की हो गई है। इसमें भी खरपतवार खेत में कुछ कम है। आइए दिखाते हैं आगे। ये खेत जो है जिसमें मैं खड़ा हूँ, इसमें हमने लगाया है PBW 826। ये लगभग 52 दिन की है। ये देर से बीज मिले थे और आप देख सकते हैं इसमें ये चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है और बीच बीच में हल्का घास भी है, तो इसके चलते मुझको जो है आज स्प्रे करवाना पड़ रहा है। आइए आगे देखते हैं। ये जो खेत है इसमें हमने लगाया है DBW 371, और आप देख सकते हैं अच्छी ग्रोथ हो रही है, टिलरिंग भी है। और ये हैं वो खरपतवार छोटे छोटे जो बाद में आके तंग कर सकते हैं। ये घास की तरह हैं और अभी छोटी अवस्था में हैं, तो 2,4-D जो है इन पर काम करेगा और आने वाले समय में इनका बीज भी कम हो जाएगा। ये चौड़ी पत्ती वाले भी कुछ अभी बहुत नन्हे नन्हे से हैं, ये कल को बहुत बड़े हो सकते हैं, तो गेहूं की पैदावारी में ये असर डालते हैं। बस ये जो खेत है इसमें लगाया है हमने DBW 370, और ये 371 और 72 और 826 की तुलना में 5 दिन पहले लगा था। आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़बरदस्त टिलरिंग हो रही है, और अभी ठीक चल रही है ये, बहुत अच्छा ग्रीन कलर है। इसमें खरपतवार बहुत कम है। DBW 370 को हमने सुपर सीडर से बोया था क्योंकि इसका बीज हमें 1 एकड़ के आसपास मिल गया था, उनका कम मिला था तो हमने हाथ से छीटा था। आप देख सकते हैं एक लाइन में लगी हैं, और इसमें हमने पेंडीमेथिलीन और अवकीरा का स्प्रे किया था, जिसके चलते इसमें खरपतवार फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखते हैं आगे खेत DBW 372 का। आप देखिए ये खेत जो है ये है DBW 372 का, और इस पर हम स्प्रे कर रहे हैं, और एक टंकी जो 20 लीटर की है इसमें 50 ml 2,4-D जो है औसतन आ रहा है, तो इतनी ही आपने दवा रखनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। हल्की कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको करने से खरपतवार होंगे नष्ट और गेहूं को मिलेगा लाभ। ये नहीं कि मैंने किया है तो सब लोग अब 2,4-D करने लग जाएं। आप अपने खेत की अवस्था ज़रूर देखेंगे, अगर उसमें वाकई बहुत ज़रूरत है तभी आप इसको करेंगे। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।